भारत में धर्म और संस्कृति का अपना एक अलग ही महत्व है। हिंदू संस्कृति को देखते हुए हमारे देश के कई मंदिरों की अपनी अलग पहचान है। आपने ज्यादातर मंदिर हिंदू देवी देवताओं के नाम से ही देखे और सुने होंगे, लेकिन अब जिस मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे, उस मंदिर को ना तो किसी देवी के नाम से जाना जाता है, ना ही किसी देवता के नाम से। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, बल्कि इस मंदिर को सास और बहू के लिए जाना जाता है। आज अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको ग्वालियर के सास बहू मंदिर की रोचक जानकारियां देंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस मंदिर का नाम सास बहू के नाम पर क्यों पड़ा और इस मंदिर की खासियत क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह अनोखा मंदिर ग्वालियर में स्थित है। सास बहू के इस मंदिर की धार्मिक मान्यता दूर दूर तक है। ग्वालियर का सास बहू मंदिर जितना देखने में भव्य है, इस मंदिर की कहानी भी उतनी ही अद्भुत है। बताया जाता है कि इस मंदिर के बनाने की कहानी 1902 ईस्वी के आसपास शुरू हुई थी। देखने में यह मंदिर इतना शानदार है कि कहते हैं कि इस मंदिर को देखना स्वर्ग में देवी देवताओं के दर्शन करने जैसा है। लेकिन इस मंदिर का नाम यहाँ आने वाले लोगों और इस मंदिर के बारे में सुनने वाले लोगों के लिए हमेशा चर्चा का विषय रहा। इस मंदिर के निर्माण और इसके नाम की कहानी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के दौरान ग्वालियर के ऊपर कच्छ वंश के राजा महिपाल का राज था। बताया जाता है कि उनकी पत्नी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। रानी का भगवान विष्णु में इतना अटूट विश्वास और रानी की भक्ति को देखते हुए राजा ने भगराम विष्णु का यह मंदिर बनवाया, जिसका नाम उस वक्त सहस्त्र बाहु रखा गया। बताया जाता है कि कुछ वक्त बाद राजा महिपाल के पुत्र का विवाह हुआ और पुत्र वधु भगवान शिव की भक्त थी। पुत्र वधु की भगवान शिव के लिए भक्ति देखकर रानी ने पास में ही शिव का मंदिर बनवा दिया। तब इन दोनों मंदिरों को संयुक्त रूप से सहस्त्र बाहु मंदिर कहा जाने लगा। कहा जाता है कि हजार भुजाओं वाले भगवान विष्णु के कारण इस मंदिर का नाम तब सहस्त्र बाहु पड़ा था, लेकिन बाद में इस मंदिर का नाम सहस्त्र बाहु से बदलकर सास बहु कर दिया गया। इसके पीछे की कहानी ये बताई जाती है, क्योंकि रानी सास थी और पुत्र वधु बहु, तो इस मंदिर का नाम भी सास बहु रख दिया गया। बात अगर मंदिर की करें तो यह मंदिर 32 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। इस वक्त मंदिर में प्रवेश करने के लिए तीन दिशाओं से प्रवेश द्वार है, जबकि चौथी दिशा का प्रवेश द्वार इस वक्त बंद है। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि इस मंदिर में तीन और मंडप हैं, जबकि चौथी तरफ गर्भगृह है और ये स्थान अब खाली है। इस मंदिर की खूबसूरती की बात करें तो इस मंदिर की दीवार पर की गई नक्काशी और मूर्ति कला कमाल की है। ये मंदिर मूर्ति कला का एक सुंदर नमूना पेश करता है। मंदिर के खंभों और छत पर भी शानदार कलाकृति की गई है, जिन्हें देख कर लोग इस मंदिर को बहुत पसंद करते हैं और ये अद्भुत कलाकृति यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है। जिस ग्वालियर शहर में यह मंदिर है, उस शहर का इतिहास भी बहुत शानदार है, और इस मंदिर की छत पर चढ़कर इस ऐतिहासिक शहर को देखना अपने आप में एक कमाल का अनुभव होता है। लोग इस शानदार अनुभव को लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं, लेकिन कई मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ फोड़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मुस्लिम हमलावरों की तोड़ फोड़ के बाद इस मंदिर को काफी नुकसान पहुँचा था, और अब इस मंदिर का खंडहर ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आज इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन मंदिर की मान्यता और इसकी नक्काशी को देखते हुए साल भर यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।